गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए एनसीईआरटी का मैं आगे आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ। मैंने बोला था एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये तो बहुत आसान है। जज मीन्स बताना, ऐसे होता है न्याय करना। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ए बांधा रही तो ऐसे आप लोग बना दे सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है जब कनेक्टेड इन पैरेलल। ए है एक ओम और कितना ओम 10^6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, 1/R = 1/R1 + 2 R2। तो 1/R = 1/R1 के जगह 1 R2 के जगह 10^6 यानी 1/R = 1/1 यही हो जाएगा। 1/6 कैल्शियम लेंगे तो 1/6 तो 1,10,00,000 हो गया। 1,00,000 से 1 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1,00,000। अगर किसी को भी 1 से डिवाइड किया जाए तो सेम टू सेम, 1,00,000 को 1 से डिवाइड किया तो 1,00,000 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1,00,000 ही होगा। अब प्लस 1,00,000 को 1,00,000 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 से इनटू करिएगा तो 1 यानी 1/R = कितना हो जाएगा 1,00,001 हो जाएगा। ठीक है, 1/100,000, 1,00,000, 1,00,000। अब भाई 1,00,000 तो बताइए उलट देते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं तो R/1 = क्या हो जाएगा 1,00,000। अब भाई 1,00,001 है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये R/1 आ रहे ना होगा R = अब इसको डिवाइड करोगे ना बबुआ तो आएगा 0.99। कहाँ तक जाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.99। R/1 = R हो जाएगा, R/1 = R डिवाइड करोगे ना तो 0.99 ओम हो जाएगा आंसर। चलो डिवाइड करके देख लो, 1,00,000 से डिवाइड करो तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो वो जीरो बैठाएंगे तो क्या डिमांड करेगा पॉइंट है, जीरो दे देंगे शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, माने दीजिए नहीं माने मत दीजिए। तो 9 टाइम्स लगेगा तो हो जाएगा 9009। तो 1 9 फिर 9 9 9 9 ऐसा हो गया, कितना आपका 9 9 में से जीरो गया, 9 में से 9 गया कैंसर, अरे जीरो ना हो गया। क्लियर, अब फिर जीरो उतारेंगे तो ये फिर पॉइंट हो जाएगा तो 9 वाला आएगा, कितना आएगा आपको 9 0 0 0 0 0 9। तो फिर वही बात, इस तरीका से आपको क्या देख रहे हैं 0 पॉइंट कितना बार लगा 9 9 डिवाइड तो देना आती है, 0.99 बार आपको लग रही है। बी देखिए बहुत हार्ड थी, 1 ओम 10^3 ओम यही है और का वही है, खाली आप लोग कैलकुलेशन में देख के अलवर आ जाते हैं। तो 1/R = क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R = R1 के जगह 1, R2 के जगह 10^3 और R3 के जगह 10^6। तो 1/R = 1/1 यही हो जाएगा 1/0 3 0 यही हो जाएगा 1/6 0। एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 1,00,000 ही एलसीएम हो जाएगा। तो 1,00,000 को 1 से डिवाइड करेंगे 1,00,000 और फिर 1 से इंटू करेंगे तो 1,00,000 ही होगा। फिर 1,00,000 को 1,000 से डिवाइड करिएगा 1,000 से तो 3 0 से 3 0 कैंसिल बचेगा 1,000 और 1,000 को 1 से इंटू करेंगे तो 1,000 आप प्लस 1,00,000 को 1,00,000 से डिवाइड करिए 1 और 1 को 1 से इंटू करिएगा तो 1 आएगा। तो 1/R = ये हो जाएगा बउआ, ऐड करोगे तो 1 फिर 0 0 1 0 0 1। ठीक है, फिर 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लो ऐड करके, इधर साइड में कंफ्यूजन है तो साइड में ऐड करके देख लो 3 6 फिर 1,000 फिर 1 तो 1 0 0 1 0 0 1 क्या ना 100 101
101, ठीक है। अब आई 10 लैख, तो उलट देते हैं, आर बाई वन इक्वल टू 10 लैख, अब बाई 100 101 लिख देते हैं, बाई इनवर्सिंग, इनवर्सिंग मतलब उलटने पर, माने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिए, तो आर बाई वन इक्वल टू आर हो जाएगा, अरे आर बाई वन क्या होगा, आर, इसको डिवाइड करिएगा तो इसको भी डिवाइड करिएगा तो आपका उतना ही आएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो उतना ही आपको आएगा, है ना, ठीक है। तो लगभग आप 1 ओम कह सकते हो, है ना, इसको भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.99 ओम, इसको ऐसे लिख दिए, इसका मतलब हो गया अप्रॉक्स लगभग, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो तो समझिएगा अप्रॉक्स लगभग के ओम, अरे 0.99 यानी लगभग मान के चलते हैं 1 ओम, अरे 0.99 99 ओम, अरे 0.99 मतलब 99 ओम हो गया, नहीं जीरो लगभग के ओम, यहाँ पर भी अप्रॉक्स 1 ओम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अप्रॉक्स, तो इस तरह का कहीं सिंबल ऐसे लिखा हुआ है ना, तो समझिएगा अप्रॉक्स मीन्स लगभग, अप्रॉक्स मीन्स लगभग 1 ओम ही हुआ, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खाली क्वेश्चन देख के अलबला जाते हो गए, ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम, टोस्टर है 50 ओम, वाटर फिल्टर है 500 ओम, कनेक्टिंग पैनल, चलिए मैं फिगर पहले शुरू कर देता हूँ, एगो 2 3 ठीक है, एगो क्या है इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम, और एक तो क्या है आपको टोस्टर है आपका 550 ओम, और एगो टोस्टर समझते ना, और एगो क्या है फिल्टर है, वाटर फिल्टर है 500 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट सोर्स, अच्छा यानी लाइन से होगा कनेक्टेड, बैटरी तो होगा नहीं, बैटरी का सिंबल दे ऐसे, बैटरी तो 12 वोल्ट का होता है, बैटरी कितने वोल्ट का, तो बैटरी तो होगा नहीं, यानी लाइन से 220 वोल्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना है सोर्स 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट सोर्स पैरेलल में, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, कहता है इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम पैरेलल है, तो पैरेलल में तो करंट यहाँ से निकाल लेते, इधर वाला प्लस होगा, इधर कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा, तो यहाँ से करंट अगर निकलता है तो क्या रास्ता में बढ़ जाएगा, कितना रास्ता में बढ़ जाएगा, तो सेम करंट की डिफरेंट करंट है, पैरेलल सर्किट है तो करंट सेम की डिफरेंट बोलते नहीं, डिफरेंट ध्यान रहे पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिफरेंट होता है, अब वोल्टेज क्या होगा, यानी इसके लिए भी 220, इसके लिए भी 220 और इसके लिए भी 220, पैरेलल सर्किट करंट, देखिए ये सब दो चार पॉइंट आप दिमाग में हमेशा रखो, पैरेलल सर्किट है तो करंट डिफरेंट अब वोल्टेज सेम, अब सीरीज रहता तो करंट सेम अब वोल्टेज डिफरेंट, जस्ट उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। अब कह रहा है तो ही तो कह दिया, अब कह रहा है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, ओ मैंने ये सब इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है निकालने, खाली कह रहा है ना कि 100 ओम का है, 50 ओम का है या 500 ओम का है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा आपको निकालने कि करंट निकालिए वोल्टेज निकालिए, आगे देखिए कहेगा तो कहेगा, कह रहा है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, अच्छा सेम सोर्स यानी 220 वोल्टेज, सेम सोर्स का मतलब क्या हो गया 220 वोल्ट, है ना, कनेक्टेड टू सेम सोर्स यानी 220 वोल्ट, डैट देखिए यहीं पर तो मेन समझने वाला पॉइंट है, डैट टेक्स एज मच करेंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, है ना, कह रहा है डैट टेक्स करेंट, डैट किसके लिए आया है
हार्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन डेट, तो डेट आया है आपको इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, डेट आई है डेट इलेक्ट्रिक आयरन के लिए, है ना। डेट टेक्स्ट पे यहां पर क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन बताइए कनेक्टेड टू सेम सोर्स यानी 220 वोल्ट। डेट टेक्स्ट कौन, डेट माने कौन, इलेक्ट्रिक आयरन। डेट टेक्स्ट डेट किसके लिए है, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। डेट टेक्स्ट एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, जो करंट जो है ऑल थ्री अप्लायंसेस के इक्वल लेता है, है ना। कह रहा है यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन आपको निकालना है, है ना। डेट टेक्स करंट, डेट टेक्स करंट एज आ गया मच करंट, एज मच करंट, एज मच करंट करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, एज ऑल थ्री अप्लायंसेस डेट इज करेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इक्वल करेंट ऑफ ऑल थ्री अप्लायंसेस, यानी ऑल थ्री अप्लायंसेस को ची यानी आई वन प्लस आई टू प्लस बस क्या है, स्पष्ट तो लिख दिया है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होता है डेट, डेट किसके लिए है, इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन लेता है एज मच एज करंट, इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट लेता है, इसका हिंदी वर्ड डेट टेक्स एज मच एज करंट, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट लेता है जितना की ऑल थ्री अप्लायंसेस। कहने का मतलब करंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू करंट ऑफ ऑल थ्री, करंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू करंट ऑफ ऑल थ्री अप्लायंसेस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यही आपको मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। एकदम फाड़ फाड़ मैं लैंग्वेज में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आई वन कैसे, आई वन ये हुआ फॉर्मूला, क्या होता वोल्टेज तो सेम होगा, बहुआ वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल सर्किट फॉर इच, तो आई वन की जगह क्या लिख देंगे, आई वन हो गया कितना वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। अब वोल्टेज तो सेम होता है, यहाँ पर लिख देते हैं वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट फॉर इच, ठीक है। तो वी के जगह 220, अब आई आर वन के जगह कितना है, ये आर वन हो जाएगा, ये आर टू हो जाएगा और ये आर थ्री हो जाएगा। तो आर वन के जगह हो गया आपको कितना 100, अब प्लस वी 220, अब आई आर टू के जगह आपका 50, अब प्लस 220 बाई आर थ्री के जगह 500, कैल्शियम लेंगे शायद 500 आ जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम इसका लीजिएगा ना नीचे वाला का, तब 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे 100 को 500 से, तो 5 आएगा 1100, अब प्लस 10 आएगा 10 को, तो 2200 आएगा वन, तो 220, तो कितना हो जाएगा 3300, 3320 बटा 500, नहीं जीरो से जीरो कैंसर, अभी हो जाएगा तो कितना 50 से भी डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 50 से आपको डिवाइड करेगा 352 में, तो हो जाएगा आपको 7 टाइम्स, अब बचा 2, तो जीरो उतारेंगे तो क्या डिमांड करेगा पॉइंट, अभी भी नहीं लग रहा तो फिर जीरो उतारिए, तो फिर जीरो शुरू वाला जीरो के लिए पॉइंट, फिर जितना जीरो उतना पॉइंट, शुरू वाला ध्यान दीजिएगा 7 टाइम्स लगा ना जी, फिर जीरो तर, तो क्या डिमांड करेगा शुरू में पॉइंट, फिर जीरो, तो यहाँ भी जीरो, तब 4 टाइम्स लग जाएगा यानी 7.04 एम्पियर,
7.04 एम्पियर हो गया, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पे निकालिए रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, तो बताइए तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क अब निकल गया आपसे। अब क्या कह रहा है, वोल्टेज है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेम फोर्स, और कह रहा क्या कनेक्टेड टू सेम सोर्स में है, वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा 220, ब्रैकेट में लिखते हैं बिकॉज कनेक्टेड टू सेम सोर्स। ठीक है, क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि कनेक्टेड टू सेम सोर्स तब वोल्टेज आपका वही रह जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन क्या हो जाएगा, आई फार्मूला क्या होता है, वी वाई आई फार्मूला क्या होती है, वी वाई आई। तब वी किसका, आयरन का, अब आई भी किसका, आयरन का है ना जी, यस। तब वी कितना है, 220, कितना है 220। ठीक है, अब आई कितना आया है, 7.04। पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर एक पर के जीरो दो जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक पर के जीरो दो जीरो आएगा, तब बच्चा कितना 22 ट्रिपल जीरो बाई 704। आप डिवाइड कर दीजिए, 704 को आपको डिवाइड कीजिए, तो देखिए मैं इतना इतना को डिवाइड किया तो डिवाइड करके देखिए कितना आया, 31.2। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम ना, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जब पॉइंट हटाए तो 20 आ गया ऊपर, तो इंटू किए तो कितना आया 22/30 अब आई 704 इज इक्वल टू कितना डिवाइड करने पड़ा, 31.2। देखिए ईवी ऐसा यूनिट है ना, तो रिजल्टेंट भी ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस का क्या होता है, सही ओम, ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन था इसमें, व्हाट इज करंट थ्रू इट यानी रेजिस्टेंस का ना, अरे दिक्कत निकल है जी, करंट थ्रू इट माने रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन ना, करंट थ्रू इट यानी इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू करंट, तो यहां पर निकाल लेते हैं करंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कितना, I1 I2 I3 सॉल्व कर कितना है 7.04 एम्पियर। ये तो यहीं पे आंसर और पहले से निकाल दिए, एक बार देखिए मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ क्या कह रहा क्वेश्चन, खाली क्योंकि क्वेश्चन देख के आप लोग अलवरा जाते हैं कि कहता क्या है। इलेक्ट्रिक आयरन 100 ओम 50 ओम 500 ओम कनेक्टेड पैरेलल 220 वोल्ट से जोड़ दिए। अब रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज आयरन का रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, तो वोल्टेज पता होना चाहिए करंट, तो देखिए क्या लिखा है, हिंट किया, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, यानी वोल्टेज हो जाएगा 220। सेम सोर्स का मतलब हो गया कनेक्टेड टू, कह दिया है सेम सोर्स, यानी वोल्टेज यहाँ पे लिख दिए वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन 220 बिकॉज कनेक्टेड टू सेम सोर्स, यानी इसका भी 220 और आयरन का भी 220। डैट किसके लिए आया है, इलेक्ट्रिक आयरन जो लेता है एज मच एज करंट उतना ही करंट लेता है, एज ऑल थ्री प्लेन्स जितना कि तीनों, यानी जो रेजिस्टेंस होगा करंट जो होगा वो आपको इलेक्ट्रिक आयरन का तीनों को मिला के ना, क्योंकि स्पष्ट कह दिया इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट लेता है उतना ही करंट जितना कि तीनों अप्लायंसेस, यानी करंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू करंट ऑफ ऑल थ्री अप्लायंसेस, यानी I1 + I2 + I3। तो फॉर्मूला लगा दिए V/R1, वोल्टेज तो सेम होता है पैरेलल में सबके लिए, इसलिए V रख दिए, और R1 R2 R3 तो रख दिए, सॉल्व करते करते 7.04 आया। तो कहता रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन तो V/I, तो V भाई आयरन का, अब रेजिस्टेंस निकालना है आयरन का, तब वोल्टेज लेंगे टोस्टर का, रेजिस्टेंस निकालना है आयरन का, तब वोल्टेज लेंगे आपको वाटर फिल्टर का, तो वोल्टेज भी आयरन का और करंट भी आयरन का, तो 220 वोल्टेज और पॉइंट हटाए तो 100 आया, तो डिवाइड इंटू किए तो इतना आया, डिवाइड करने पर इतना आया। एक और क्वेश्चन था करंट थ्रू इट, है ना, करंट थ्रू इट माने किसके द्वारा, रेजिस्टेंस आयरन के द्वारा ना, करंट थ्रू इट माने आयरन,
आयरन का करंट निकालना है जी, करंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन सॉल्व करते करते 7.04 एम्पीयर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल, पता क्या फायदा है इलेक्ट्रिक डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करने का, बी द बैटरी इन स्टीड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, है ना, पैरेलल सर्किट में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने का क्या फायदा है ना, सीरीज में कनेक्ट के बदले में, स्टीड मतलब के बदले में, सीरीज के बदले में, तो ये इसका मतलब यानी क्या आंसर देना है एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट का, तो इसका आंसर मैंने आपको पहले दे दिया था, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ। मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन का, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट सबसे लास्ट पॉइंट था या सेकंड लास्ट पॉइंट होगा, उसमें मैंने ये बता दिया था, तो यार आंसर लिख लोगे खुद से, ठीक है। पेपर में फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा के लिख दिया है खाली, ये सीधा सीधी है ये लैंग्वेज बढ़ा के, पैरेलल सर्किट में इलेक्ट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करने का फायदा, यानी लिखना आपको एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट का, ठीक है, तो लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर लिख लोगे खुद से, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम, कहता है तीन को रेजिस्टेंस आपके पास है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, कनेक्टेड कीजिए इसको टू गिव, ऐसा कनेक्ट कीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम दे और 1 ओम दे। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सुनने में अटपटा टाइप का लग रहा होगा, तीन को रेजिस्टेंस है, क्या को रेजिस्टेंस है, हाउ कैन मैंने कैसे कनेक्ट करिएगा 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को, कि टोटल रेजिस्टेंस कितना देता है 4 ओम और, चलिए तो एक में आते हैं, अगर तीनों को बताइए तो अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 2, 3 और 6 फोर आ सकता है, 12, 5, 11 आ जाएगा, कनेक्ट सीरीज में तीनों को कनेक्ट करने से तो फायदा हुआ नहीं, चलिए तीनों को जरा पैरेलल में कनेक्ट करके देखिए, तो तब पैरेलल में करिएगा तीनों को, देखिए तो 1/r = 1/r 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 6, तो हो जाएगा 6 तो 3 2 1 तो 1/r = 6/6 r = 1 आ गया, अच्छा बी का आंसर मिल गया जी, यानी बी का आंसर कब मिलेगा जब तीनों को, फिलहाल हम एक आंसर ढूंढ रहे हैं, बी का आंसर आपको मिल गया कि वेन ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चलिए बी का तो आंसर मिल गया। अब तीनों को ना सीरीज में से आया 4 ओम, न तीनों को पैरेलल से आया 4 ओम, तो ऐसा करते हैं कम्बिनेशन करते हैं, सीरीज और पैरेलल मिलाते हैं, सीरीज और पैरेलल तो क्या करते हैं ना कि देखते हैं 2 ओम, ठीक है, और 3 ओम यह हो गया 6 ओम, या 2 ओम, 2 ओम को रहने देते हैं ऐसे ही, 3 ओम और ये 6 ओम को पैरेलल में लगा देंगे, 3 ओम और 6 ओम को देखिए तो करके 2, तो 3 या 6 पैरेलल में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 1/6 1/r = 6, तो 2 + 1 1/r = 3/6 यानी 2, यानी r का तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो r, हाँ हो जाएगा लगता है जी, ये दोनों मिला के 2 है, 2 फोर ओम आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मान लेता हूँ करंट इधर से जा रहा है, अब यहाँ गया तो इधर, यहाँ गया तो इधर बढ़ जाएगा, इधर चल जाएगा, प्लस माइनस यानी इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस, यानी ये जो है इन दोनों के साथ सीरीज में है, ये वाला इन दोनों के साथ क्या में है, सीरीज सर्किट में है, तो ये दोनों मिला के 2 ओम आ गया, 2 ओम 4 ओम आ जाएगा, तो आंसर मिल गया ये का कि 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, ठीक है, 2 ओम इज इन सीरीज विद 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, क्लियर है, तो ये 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया, ये 2 ओम को इन दोनों के साथ सीरीज में लिखे कि 3 ओम 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 ओम इज कनेक्टेड इज इन सीरीज विद 3 ओम एंड 6 ओम, देखिए माइनस इसके प्लस से, माइनस इसके
पर सही भलाई दोनों के साथ कोची में है सीरीज में, चेक कर लीजिए इधर, चेक कर लीजिए। आपको इधर मैं चेक कर देता हूँ, 2 ओम है ना, और 3 ओम 6 ओम को कीजिएगा तभी कितना ओम आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम 2 ओम कितना हो जाएगा, फिर 4 ओम आ जाएगा। हो गया चेक, आंसर नहीं चेक मतलब जांच कर दिया, क्लियर जांच। क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास 3 गो रेजिस्टेंस का कैसे कनेक्टर हो कि 4 ओम दे और 1 ओम, तो 4 ओम के लिए इसको सीरीज यही दोनों को पैरेलल, तो चेक कर दिए तो ये लिख दिए 3 ओम 6 ओम, फिगर में बना दीजिए जरूर 3 ओम 6 ओम को पैरेलल और बाकी 2 को। अब देखिए बी का तो आंसर मिल गया था आपको कि 2 ओम और तीनों को पैरेलल में 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं देन इट गिव्स, देन गिव 6 ओम, देन गिव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ देन इट गिव, देन गिव टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। लिख दिया कि इसको सीरीज में दोनों को पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम और तीनों को पैरेलल में तो टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, यानी फिगर हो जाएगा ऐसे। एगो 2 ओम हो जाएगा, एगो 3 ओम, एगो 6 ओम, यानी करंट जा रहा होगा इधर से निकाल रहा होगा, ठीक है। प्लस माइनस तीनों का प्लस ए पर, तीनों का माइनस बी पर, चेक कर लेते हैं इधर, चेक कर लेते हैं। हो सकता है गलती बता दिए हो, तो 1 बाई आर इक्वल 1 बाई आर 1 की जगह 2, 3 और 6, तो 1 बाई आर इक्वल 6, 3, 2 और 1, तो 1 बाई आर इक्वल 6 बाई 6, तो कट जाएगा 1 3 4 3 6 गुना, तो R=1 ओम। आंसर की चेक्ड मतलब जांच कर दिया, तो क्लियर है, समझ गए आप लोग। पैरेलल में 3 1 ओम लाने के लिए तीनों को पैरेलल में और 4 ओम लाने के लिए दोनों को पैरेलल, इसको सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तरह के तो पहले बताते हाईएस्ट करंट किसमें मिलेगा, मैंने बताया था सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन ईच रेजिस्टेंस, और पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन। देखिए ना, जैसे यहाँ तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किए थे ना, तो कितना आया था जी, 1 ओम आया था, तीनों से कम है ना, तीनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किए तो इक्विवेलेंट 1 ओम आया जो कि तीनों से कम है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस अगर है तो सीरीज में, लोएस्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो पूछ रहा हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट लिखते हैं इक्वल डायरेक्ट तीनों को, तो सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तब 4, 8, 12, 24, तो हो जाएगा 12, 24, 48 ओम आ जाएगा कौन सी में, सीरीज सर्किट में। अब बी का वही कह रहा है लोएस्ट ना, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं टोटल इन पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे निकलता है बताइए, तो पैरेलल में 1 वाई करके ना, तो 1 बाई आर इक्वल 1 बाई आर 1, R2 प्लस R3, तरह से R1 की जगह 4, R2 की जगह 8, R3 की जगह 12 और R4 की जगह 24, तो LCM ले लीजिए इसका, शायद आएगा 24 जी, 4 एट 12 24, LCM ले लीजिए तो 2 से 2 4 6 2 2 से 1 2 3 6, फिर 2 से 1 1 3 3, फिर 3 से लग जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आया, हाँ 24, थोड़ा सा फिर से साफ से कर देता हूँ, 4 8 12 24, LCM 24 आया शायद, 2 से 2 4 6 12, फिर 2 से 1 2 3 6, फिर 2 से 1 1 3 3, फिर 3 से 1 1 1 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आया, हाँ LCM आ गया आपका 24।
एलसीएम जो आ गया आपका 24 आ गया। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1, तो 1 बाई आर इक्वल कितना 6 9 9 2 11 11 8 1 12, तो 12 बाई 24, तो कई बार कटेगा 2 times, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तीछा तीछी गुना कीजिए आर को 1 से और 2 को 1 से, यानी आर इज इक्वल टू 2 ओम, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज और लोएस्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग मैक्सिमम रेट और 360 वाट हीटिंग मिनिमम। तो कहता है वोल्टेज 220 है, तो व्हाट आर करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। अच्छा, तो ईच केस दो केस, यहां पर दो केसेस है, एक मैक्सिमम हीटिंग और एक मिनिमम हीटिंग। देखिए यहाँ पर दो केसेस आपको दिख रहा होगा, एक मैक्सिमम हीटिंग दिख रहा है और एक मिनिमम हीटिंग दिख रहा है, ठीक है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 850 वाट जब हीटिंग मैक्सिमम रेट और 360 जब हीटिंग मिनिमम, वोल्टेज 220, तो व्हाट आर करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ईच केस यहाँ पर दो केसेस हुआ, एक हीटिंग मैक्सिमम और एक, तो मैक्सिमम रेट के लिए पहले निकाल लेते हैं, मैक्सिमम रेट में केस फर्स्ट मैक्सिमम रेट, तो मैक्सिमम रेट में पावर कितना है 840, देखिए लिखा 840 व्हेन हीटिंग मैक्सिमम, 840 व्हेन हीटिंग मैक्सिमम, तो ये पावर 840 हो गया। अब वोल्टेज तो खैर दोनों में 220 है, 220 तो क्या क्या निकालने कहता है, आई करंट और रेजिस्टेंस, करंट और, तो देखिए आई निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए पी भी आई, एक फॉर्मूला है बउआ पी और भी आई में, पी भी और आई में एक फॉर्मूला है, क्या है आपके पास वो फॉर्मूला, पहले एक एक करके ना निकलेगा कि दोनों एक बार में, एक एक करके निकलेगा, ठीक है। तो पी भी और आई में एक फॉर्मूला है, क्या पी इज इक्वल टू भी आई, पी इज इक्वल टू भी आई, कौन आई, भी आई, तो पी हो गया 840 ऐसा यूनिट है, वोल्टेज है 220 आई, ये भी एसआई, ये भी एसआई, तो रिजल्टेंट भी एसआई में हो जाएगा, था 0 0 कैंसिल और 2 से 42 और 2 से 11, ठीक है। तो क्या बचा 42 इज इक्वल टू 11 आई, ऐसा करते हैं 11 आई को इधर लिख देते हैं 42 को इधर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बाई 11, सारा डेटा एसआई, तो रिजल्टेंट भी आंसर ये हो गया। अब देखिए पी भी आर में एक फॉर्मूला भी है, P, V और R में भी एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, इससे भी शॉर्ट एक फॉर्मूला है, अगर आपको पास I निकल गया, V है ये, V इज इक्वल टू I है, डायरेक्ट भी आपकी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, P के जगह यहाँ पे रखोगे 840, अब V 220 टू टाइम्स और, तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन वाला इसमें थोड़ा लंबा है, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाओगे, अगर v इक्वल टू i है तो v के जगह 220 और i की जानकारी हो गई आपको इस केसेस में, कितना 42 बाई 11 r। अब निकाल लो या जो आपको आसान लगे वो करो, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, तो v पता है और i आपने निकाल दिया 42 बाई 11, चलो यही फॉर्मूला लगाता हूँ, नीचे कुछ नहीं तो 1, 0 से 0 हो गया कैंसल, ठीक है। अब 2 से 11 टाइम्स और 2 से 42 टाइम्स, ठीक है, फिर 2 से 21 और 2 से 110, अब तो नहीं लगेगा, तो क्या बचा 21 इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा लंबा है सोल्यूशन, 1100 बटा और तीछा तीछी इंटू कर देते हैं, तो आपको 21 R इज इक्वल टू 1100, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 बाई, थोड़ा लंबा चल जाता है इससे और क्या, और वाला जो V इज इक्वल टू I R था वो बड़ी शॉर्ट था, तो निकाल लीजिए सॉल्व कर लीजिए 21 को 1100 से डिवाइड, चाहे यहीं पर छोड़ो ना, यहीं पर अगर हम आंसर डाल देते हैं तो क्या गलत हो जाएगी, पॉइंट में डालना है तो आप पॉइंट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
वन टाइम में डाल दो। चलो भाई बढ़ा देता हूँ, तो फाइव टाइम्स 105, 50 टू टाइम्स 8 तो 52 पॉइंट आपको आ जाएगा 7, है ना, आपको आ जाएगा 52.7। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको इंटू करेंगे ना तो 1210 आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो आपको आ जाएगा 1110 को इंटू करेंगे तो 1210 आ जाता है। अब आइए तो कितना तीछा तीछी आप इंटू कीजिए, 21 R = कितना हो जाएगा 1210, है ना। तो R = क्या हो जाएगा 1210/21। 21 को आप 1210 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 times 6/1, फिर आपको लग जाएगा 7 times। ठीक है, फिर जीरो उतारेंगे 57.6 तो हो जाएगा आपका 57.6 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए उसी तरह मिनिमम वाला आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ मिनिमम वाला। अभी कह रहा दो पहला केस तो मैक्सिमम वाला में निकाल लें, फिर मिनिमम वाला में पावर कितना ले लीजिएगा, मिनिमम वाला में पावर 360 और वोल्टेज तो बस नहीं रहेगा, बाकी इस तरह से सब निकाल लोगे। दो केसेस यहाँ पे है, यहाँ पर आपका दो केसेस है, पहला केसेस मैक्सिमम रेट और दूसरा केसेस मिनिमम रेट। तो मैक्सिमम रेट वाला मैंने ले लिया 840 था, वोल्टेज तो 220 है दोनों केसेस में, और मिनिमम रेट की जब बात कीजिएगा तब पावर के जगह 360 ले लीजिएगा। मिनिमम केसेस में पावर के जगह 300 है, वोल्टेज 220, बाकी सेम टू सेम पावर ई लगा दीजिएगा, फॉर्मूला ई निकलेगा, ई लगा दीजिएगा आर निकलेगा। अब आर निकालने का इससे आसान तरीका है डायरेक्ट VYI, इससे भी यही थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें वोल्टेज आपको पता है 220 और करंट आपने निकाल कर रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप मिनिमम वाला आप निकाल लोगे। आप देखिए आप क्वेश्चन 100 जूल ऑफ हीट, मैंने बार बार मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल हीट, 100 जूल ऑफ हीट, तो हीट का मतलब हो गया बउआ बर्कडन। ध्यान दोगे मैंने बताया था बर्कडन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, यानी W बराबर इस तो हीट की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट तो ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट जो है आपको हीट रिलीज होगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपका हीट रिलीज होगा, हीट जो है नहीं रिलीज होता, वो बर्कडन जो होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो यहाँ पर हीट है ना, हीट यानी बर्कडन कितना 100 जूल बिकाउज है ना बर्कडन इज कन्वर्ट, इफ वी डू बर्क या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, चलो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डज बर्क देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, यहाँ पर कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी। तो फिर चलिए हीट यानी बर्कडन दिया हुआ, और ईच सेकंड है बउआ, ईच सेकंड कहने का मतलब टाइम कितना हो गया 1 second, क्या कह रहा है ईच सेकंड कहने का मतलब टाइम हो गया 1 second, और रेजिस्टेंस 4 ओम ये दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सब भी का एक फॉर्मूला हम जानते हैं आईआर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, क्या फॉर्मूला जानते हैं तो आई की जानकारी नहीं है हमको, आई की जानकारी हमको नहीं है, कोई बात नहीं। क्या क्या आपको दिया है, जो दिया है डेटा उससे आप जो निकालिए, क्या दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है ना, डब्ल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और आई की जानकारी चाहिए आपको। ध्यान से देखिएगा W दिया हुआ है बर्कडन या हीट, H लिखेंगे W, यहाँ पर H भी लिख सकते हैं, अगर हीट लिखेंगे तो H और बर्कडन की बात करें तो W, और क्या दिया हुआ है
टाइम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आई, और आई चाहिए, आई जानकारी नहीं है, तो ये चारों मिला के एक फार्मूला तैयार होगा आपको, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो जब मैं पावर और बर्कडन बता रहा था उस समय मैंने ये एक्सप्लेन किया था, जब मैं पावर और बर्कडन बता रहा था उस समय देखिएगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा, तो देखिए आपको ये 100 सारा डाटा ऐसा ही हुआ, जूल ऐसा ही ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, आई नहीं पता है छोड़ दीजिए, आवार की जगह कोड और टाइम वन, तो ये आपको कट जाएगा ये 25 टाइम्स, तो बचा 25 इक्वल टू आई स्क्वायर। अब इनमें से स्क्वायर हटाते हैं, ध्यान रहे, इधर से ऐसा करते हैं ना, आई स्क्वायर को इधर लिख देते हैं और 25 को इधर, कोई दिक्कत, इधर से स्क्वायर हटाते हैं, आई स्क्वायर को इधर लिख दिया, 25 को इधर, कोई दिक्कत उससे, कोई कहेगा सर साइन चेंज होता है बताए थे, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही, प्लस है तो माइनस माइनस, फिर तो कट ही जाएगा, तो कोई फर्क पड़ा, तो टोटल को उठा के इधर से उधर ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, तो 25 का रूट होता है 5, यानी एम्पियर हो जाएगा, सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी। अब निकालने का रहा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई निकल गया 5 एम्पियर, आवाज कितना है 4 ओम, यानी 20, सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, तो कितना आ गया 20 वोल्ट, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे, भाई डज द कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स होता है, देखो बाबू कॉर्ड मीन्स होता है इंसुलेटेड वायर, जो प्लास्टिक जैसे, ये देखो वायर है बउआ, अब वायर में आप देखते होगे ऊपर से कोटेड रहता है ना प्लास्टिक, ये वायर आप लोग सब लोग देखोगे, यही वायर आप लोग देखो दिख रहा होगा, ठीक है, मैं वायर दिख रहा हूँ, ये वायर दिख रहा है ना ऊपर से जो कोटेड है ना, ये प्लास्टिक, इसी को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड किसे बोलते हैं, ये वायर है, वायर के ऊपर जो देख रहे हो ना, ये वायर के ऊपर जो देख रहे हो प्लास्टिक कोटेड, इसी को कॉर्ड बोलते हैं, कौन मैंने लिख दिया बुआ, व्हाई डज द कॉर्ड, कॉर्ड मींस इंसुलेटेड वायर, जो है ना ऊपर, इंसुलेटेड मतलब करंट पास डज नॉट पास, करंट डज नॉट पास, इंसुलेटेड का मतलब होता है करंट डज नॉट पास, प्लास्टिक कोटेड है ये, देखो ये प्लास्टिक कोटेड है, इसमें करंट पास होगा, इसको छुएंगे तो करंट लगेगा ऊपर में, हाँ निकट वायर को आप छूते हो तब आपको करंट लगेगी, तो चलो आगे देखता हूं मैं, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड नॉट ग्लो, नहीं जलता है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो, नहीं जलता है, मतलब इसके बारे में कह रही है, इसके बारे में कि ये नहीं जलती है, ये वाला नहीं जलती है, वाइल हीटिंग एलिमेंट डस, यानी हीटिंग एलिमेंट जलता है, हीटिंग एलिमेंट जलता है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जलता है, तो देखिएगा व्हाई डज द, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड, कॉर्ड माने क्या हुआ, ये वाला तार जो इंसुलेटेड वायर नहीं जलता है लेकिन हीटिंग एलिमेंट जलता है, सिंपल सी बात है, नहीं जल रहा है तो हीट एनर्जी कम और जल रहा है तो हीट एनर्जी ज्यादा, अगर नहीं चल रही है तो हीट एनर्जी कम और जल रही है तो हीट एनर्जी ज्यादा, तो वही मैंने लिख दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के कॉर्ड का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रिक हीटर के कॉर्ड का रेजिस्टेंस, कॉर्ड माने कौन, ये वायर वाला, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, देन इट डज नॉट ग्लो, तो यह नहीं जलती है ना, वाइल जबकि रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज वेरी हाई, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक आप हीटर में नहीं देखे हैं जो जलता है, जलने वाला पार्ट, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जलता है और यह जलता है, ठीक है, क्लियर है, मैं एक लास्ट बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्लियर हो गया, कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स क्या हुआ, ये वाला नहीं चलता है, क्यों,
क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस कम होता है, तो कम हीट एनर्जी नहीं जला। और हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक हीटर का जलने वाला भाग है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी, तो इट ग्लोस। क्लियर हो गई। अब देखिए अगला, कंप्यूट द हीट। कंप्यूट मीन्स बताना, हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज, यानी क्यू। क्यू कितना? 96,000। मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल, है ना। तो चार्ज दे दिया है 9600 कूलम इन वन आवर, यानी टाइम दे दिया कितना आवर, वन आवर। तो समझ गया, ये एस आई यूनिट और ये एस एन, तो इसको बदल देते हैं सेकंड में। तो निकालने क्या कहता है आपको, हाँ गई, कंप्यूट द हीट। हीट यानी बर्कडन बउआ, हीट कहने का मतलब बर्कडन। तो फॉर्मूला को जानते हैं ना, बी क्यू। क्या फॉर्मूला आप जानते हैं? हीट का मतलब हो गया बर्कडन, यानी एक फॉर्मूला आपको जानकारी है। क्या जानकारी है? बी क्यू, ठीक है। एक जानकारी फॉर्मूला है आपको, क्या? बी क्यू। तो क्यू क्यू क्यू, हाँ, ओ, तो यहाँ पर टाइम का यानी कोई काम नहीं है, क्यू भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ, वोल्टेज 50, यानी यहाँ पर टाइम का कोई काम नहीं है। ये जो वन आवर है इसका कोई काम नहीं है। बी का वैल्यू रखिए कितना है, बी हो गया 96,000 कूलम इंटू क्यू के जगह 50 वोल्ट, तो हो जाएगा 96 को 5 से आप इंटू करोगे तो आ जाएगा कितना आपको, है ना, 480। कितना आ जाएगा, 480, ठीक है। अट्ठाईस जीरो 3010 40, इतना सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, तो ये हो जाएगा आपका इतना जूल आंसर, है ना, 48 पर आपका 28 हो गया। क्लियर है। तो 96 को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हीट जनरेट कह रही है, हीट यानी बर्कडन, भी क्यू होता है, भी आपको दिया हुआ है, क्यू भी आपका दिया हुआ है, भी आपको कितना था 50, आगे पीछे कर लिख देने से कोई दिक्कत है, 50 चलो शुरू में लिख दो, 96,000 उससे कोई परेशानी नहीं है। इंटू में आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, तब इसको मैंने इंटू किया 96 को 5 को, तो आपका कितना हो गया, 6 × 5 = 30, 9 × 5 = 45, 3 × 48 यानी 1 × 3 = 4 बढ़ गया, 480 आया 96 और 5 को इंटू किया 4 था। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस 20 ओम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, बार बार मैं बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, करंट आपका 5 एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड, तो कह रहा है क्या निकालिए, हीट डेवलप मैंने अभी बताया, जो काम आप करते हैं वही आपको एनर्जी में बदलता है, यानी कौन सा एनर्जी है आपका, हीट एनर्जी, यानी डब्ल्यू निकालना है। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़े हैं, देखिए आर आई कोची कोची था, डब्ल्यू निकालना था, आई दे ले था, आर दे ले था, टी दे ले था, ये चारों मिला के ही फॉर्मूला नंबर देगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, या इसको हम ऐसे लिखे बउआ, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो क्या गलत हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एच हो जाएगा। मैंने अभी इसके पहले भी बताया था आप लोगों को, जो हम वर्क करते हैं वही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो मैंने जो वर्कडन किया वही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वर्कडन इज इक्वल टू कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, तो डब्ल्यू के जगह एच लिख दे, आई दे ले है 5 स्क्वायर × r 20 × 30, यानी 25 × 20 × 30, सारा डेटा ऐसा ही है, तो 500 × 3 1500 पर जीरो कितना हो गया आपको, चीज सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी आपका एस आई में 15,000 जूल, इसको 15 किलो जूल भी कह सकते हो, 15,000 जूल का मतलब क्या, कितना किलो, अगर जूल में इसको किलो जूल में डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 किलो जूल, अगर किलो जूल में डिवाइड करोगे तो कितना से डिवाइड, आपका 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आसान था, तो बर्कडन यानी हीट एनर्जी, बर्कडन यानी हीट एनर्जी। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद
आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन चलेंगे एनसीईआरटी का कल, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन चलेंगे। क्या करा व्हाट डिटरमाइंस द रेट, रेट है बउआ टाइम नेचर एट व्हिच एनर्जी, तो एनर्जी ऊपर, एनर्जी यानी बल्क डन, तो बल्क डन अप डन बाय टाइम क्या हो गया पावर, तो आंसर हो जाएगा पावर। कोई पूछ रहा है व्हाट डिटरमाइन रेट, रेट है तो क्या नीचे क्या डाल दिया टाइम, एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड, तो एनर्जी कहां ऊपर बता देना, रेट है तो टाइम नीचे, बच गया जो ऊपर, तो एनर्जी बच गया ऊपर, एनर्जी मींस बल्क डन बाय टाइम दैट इज पावर। ठीक है, एक्सप्लेन में कर दिया, आंसर पावर हो गया। अब अलग अलग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पियर जो है करंट ले रहा है 220 वोल्ट लाइन से, तो डिटरमाइन द पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, बार बार देखो मैं एक ही चीज को बोल रहा हूँ, फोकस देखिए यहाँ पर रखिएगा क्लियर हो जाएगा। तो करंट आपको दे दिया है एम्पियर से हमने पकड़ा करंट, है ना, देखिए हर एक पॉइंट पर क्लियर करो, एम्पियर से हमने पकड़ा करंट 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220, तो पावर डायरेक्ट निकाल दिए वी आई, पावर कौन आई तो वी आई, देखो माइंड पूरी तरह से यहाँ पर कंसेंट्रेट रखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगी, अब इधर उधर दिमाग नहीं करोगे, वीडियो बढ़ा बढ़ा के नहीं देखोगे, बढ़ा के देखोगे तो दिल में दिक्कत हो जाएगी, हर एक छोटा बात पर गौर करिए, नहीं कि हमको आती है, ठीक है, ये समझ सोचना आप लोगों को, वोल्टेज का जगह 220 और करंट हो गया 5 एम्पीयर, तो ये 1100 वाट, ये आपका हो गया क्या आपका पावर, और कह रहा है एनर्जी, तो एनर्जी कंज्यूम्ड मैंने वर्क डन होता है, मैंने बताया था जो आप वर्क करते हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो आप वर्क करते हो वही एनर्जी में कन्वर्टेड होता है, एनर्जी मींस वर्क डन, पावर इनटू टाइम डायरेक्ट लगा दिए, पावर हो गया 1100 वाट, और टाइम कितना है कितना आवर 2 आवर। अब समस्या ये साइन नोट है, ये ऐसा ही है नहीं, तो इसको ऐसा ही बदल दिए सेकंड में, तो 3600 से इनटू, तो इनटू किए तो कितना आ गया इतना आ जाएगा, इनटू करेंगे तीनों को तो इतना आ जाएगा, ठीक है, तो इतना जूल हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, और देखिए मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है, कि आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखोगे, और दोस्त को देखो आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप दोस्त को शेयर तो करके देखो, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि वो पक्का मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि हर एक बातों को मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक एक चीज को डीप में ले जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर केवल पढ़ा रहा हूँ बउआ, आप कोशिश तो कर